हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लास 10 केमिस्ट्री। फर्स्ट, जिन बच्चों ने अभी क्लासेस नहीं पढ़ी है, कहीं नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है, वो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आप एसटीसी पीसीआई कोटा के नाम से। एंड नोट्स, बच्चों का कुछ मैसेज आया, नोट्स सर हम कहाँ से नोट्स करें, तो आप डिटेल में नोट्स आपको पीडीएफ फाइल्स आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं नोट्स वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को हम बेसिकली 5 टाइप्स में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। सेकंड, कॉम्बिनेशन है तो सेकंड हमारा इसका जस्ट अपोजिट डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपने 8 क्लास में पढ़ा हुआ इसको। एंड फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड लास्ट रिडॉक्स। सबसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? तो दो रिएक्शंस इन विच टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन एंड फॉर्म ए लार्जर मॉलिक्यूल। रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस जिनमें इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होंगे और क्या करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, कंबाइन, कॉम्बिनेशन, एडिशन एंड सिंथेसिस भी बोलते हैं। सिंथेसिस मींस मेक करना, कुछ बनाना। एंड सेकंड पॉइंट, दीज रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक इन नेचर, इसको हम शॉर्ट में बताते हैं, एक्सोथर्मिक मींस हीट एनर्जी इवॉल्व होना। जब भी आपको रिएक्शन कराएंगे तो उसके साथ में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ओके, सिंपल, बेसिकली हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस बी गिव्स ए। ठीक है, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा होंगे तो आप उसमें ए प्लस बी प्लस सी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने दो लिए ए प्लस बी, तो गिव्स अपने मिलेगा ए बी, और हम जनरली बोल रहे हैं कि दीज आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर, तो इस साथ में क्या होगी, आपकी हीट एनर्जी इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। सेकेंड, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड। एंड थर्ड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सभी में आपके पास क्या है, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस है सभी में, एंड आपको एक सिंगल प्रोडक्ट ऑप्टेन हो रहा है। तो इनको आप क्या बोल सकते हैं, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होकर आपका एक सिंगल प्रोडक्ट ऑप्टेन कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे इनको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, तो फर्स्ट आप कोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो जनरली हमने प्रीवियस क्लासेस पढ़ा कि कोल किससे बनता है, कार्बन से। तो सबसे फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, कार्बन, और बर्निंग की हम बात कर रहे हैं तो बर्निंग किसी प्रेजेंस में होता है, कोई भी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कोल को जब आप बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या लिखेगी, एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन को जब आप बर्न करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस ही बोलते हैं इसको, नेचुरल गैस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेचुरल गैस, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है आपका जनरली 1 मार्क्स में, तो मीथेन इज आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CH4। और मीथेन को जब भी आप बर्न करेंगे अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एंड थर्ड, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, किसी भी जो डेड डिकिंग मैटर होता है उसको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बिकॉज उसमें भी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। हमारी सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज करना, ब्रेक करना, मीन्स दोज रिएक्शंस इन विच
ए सिंगल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड टू टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। तो जिसके अंदर आपने एक सिंगल सब्सटेंस दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनाता हो, दीज आर अगर हम डीकम्पोज बोल रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है, इसके अनुसार उसमें एनर्जी देंगे और एनर्जी देते हैं तो रिएक्शन को हम जनरली क्या बोल सकते हैं, एंडोथर्मिक इन नेचर। तो जनरली कैसे नेचर होगी, एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वाइल डीकम्पोजिशन उसके जस्ट हम अपोजिट बोल सकते हैं, मीन्स कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है, दीज आर एंडोथर्मिक इन नेचर। एंड नेक्स्ट ब्रॉडली हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन नाम से पता चला आपका, थर्मल मीन्स बाय हीट, दोज रिएक्शंस कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जिसके अंदर आप हीट करके किसी सिंगल सब्सटेंस को आप ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। सेकेंड फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो फोटोन वर्ड से आपका फोटोन वर्ड ड्राइव है, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो भी रिएक्शन आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन अगर सनलाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज हो जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे, फोटो डीकम्पोजिशन। एंड थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मीन्स दोज रिएक्शन विच कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम जिनको डीकम्पोज कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी हमने डिस्कस किया थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जिसको हम हीट से ब्रेक डाउन करें। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ब्रेकडाउन ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट, कैल्सियम कार्बोनेट को हम डीकम्पोज कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट है, तो जब भी मेटल कार्बोनेट डीकम्पोज होता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड प्लस क्या बॉन्ड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब एरो हमने लिख दिया है, बेस जो अब एरो होता है उसमें किसके लिए मिलते हैं, जनरली गैसेस प्रोडक्ट के लिए। बोर्ड में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जनरली कॉमन नेम कैल्सियम कार्बोनेट, तो एग्जाम आंसर क्या आएगा इसमें आपका, लाइम स्टोन और स्टोन, सेकंड क्या बोल सकते हैं मार्बल, जो जनरली मार्बल होता है उसका फॉर्मूला भी आपका क्या होगा, कैल्सियम कार्बोनेट। सेकंड एग्जांपल जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट को हम डीकम्पोज करेंगे, अगेन मेटल कार्बोनेट है तो आपका क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, मीन्स जो मेटल आपका यहाँ पर दिया हुआ है उसी का क्या बन जाएगा आपका, मेटल ऑक्साइड, एंड साथ में क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ जिंक कार्बोनेट, तो उसको क्या बोलेंगे आप, कैले माइन, कैले माइन बोल सकते हैं इसको। एंड सेकेंड जो हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन की डीकम्पोजिशन, ऑल्सो की फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन या फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकम्पोजिशन कौन सी होंगी जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में कंप्लीट होंगी, तो हम सनलाइट को यूवी और सनलाइट आप लिख सकते हैं एरो के ऊपर। एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, कौन से कलर का होता है, जनरली येलो कलर का होता है, तो AgBr को जब भी आप डीकम्पोज करेंगे तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन आपका ऑप्टेन होगा, ठीक है। एंड जो कलर चेंज हमसे जनरली पूछा जाता है तो AgBr येलो से Ag किस में आ जाएगा आपका, मेटल्स आर जनरली ग्रे इन कलर हम जनरली बोलते हैं, तो Ag कौन से कलर में आ जाएगा आपका, ग्रे इन कलर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड आपका है अगेन कंडीशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है तो आप सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाइए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनेगा आपका, Ag प्लस क्लोरीन, जैसे बोल रहे AgCl का जो कलर होता है वो आपका वाइट इन कलर, एंड जैसे आपका आफ्टर रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है तो क्या बनेगा आपका, Ag जो बनेगा वो कौन सी किस फॉर्म में आएगा, ग्रीन कलर, और क्लोरीन गैस जो होती है वो आपकी गैसेस से सही एस्केप आउट हो जाएगी, मीन्स आपके पास ओनली ग्रे प्रोडक्ट रिमेनिंग रह जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कंप्लीट कराएंगे, आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज में लेके हम इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन करा सकते हैं डीकम्पोजिशन। फर्स्ट एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, मोस्टली क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपका, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर से, वाटर को आप डीकम्पोज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या होगा आपका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन जाता है आपका बोर्ड के अंदर एट विच इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैसेस आर इन्वॉल्व, तो आंसर जो आपका आएगा हाइड्रोजन गैस कैथोड पे इन्वॉल्व होगी। हाइड्रोजन कैथोड पे क्यों होगा, याद रखने के लिए आपके पास में कैथोड आपका कौन सा पार्ट होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो
कैथोड हमने पढ़ा हुआ है कौन सा होता है नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे जो चार्ज आता है कौन सा होता है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, मींस हाइड्रोजन गैस कहां पे बॉन्ड हो गया आपकी कैथोड पे, एंड सेकंड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड आपका पॉजिटिव होता है, तो एनोड पे क्या निकल गया आपकी ऑक्सीजन। सेम डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको आप कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमनली जो हम कॉमन सॉल्ट ये होता है उसका फॉर्मूला ये होता है आपका सोडियम क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज होगा सोडियम प्लस क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन गैस आपकी अगेन एसके पास हो जाएगी और आपके पास ना ओनली मेटल आपके पास बचेगा सोडियम सॉलिड, सॉलिड जो बचेगा वो आपका अगर हम इसको सॉल्यूशन फॉर्म ले रहे हैं तो मेटल आपका जो लिबरेट होगा कहां पर होगा आपका एट द कैथोड, एंड जो गैसेस जो बॉन्ड होंगे वो एट द एनोड क्लोराइड, एंड लास्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड को जो कंडीशन साथी सेम है इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंस में आपके एक्वस सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम आपका एट द कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट द एनोड आपकी रिलीज होगी, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा, नोट्स आप पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड करके आप उसमें से नोट कीजिए, आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आता है आपको तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सेकंड आप कॉल करके भी।